हेलो गाइस, नमस्कार भाई, कैसे हो, क्या हाल चाल है सबके। अगला हमारा पेपर है आज का, वो है सांख्यिकी अधिकारी 18 दिसंबर 2021, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2021। इस पेपर में टोटल प्रश्न जो है वो आए हैं 20, और 20 प्रश्नों का करते हैं हम लोग क्रियाक्रम। करें भाई, चलो। तो प्रश्न संख्या पहला जो है वो देखो भाई, सत्य कथन कौन से हैं बताने। पहला लाइन कहता है कि पैराग्राफ की लास्ट पहली या दूसरी लाइन जो पेज के टॉप में रह जाती है उसे विंडो कहते हैं, ठीक है भाई। दूसरा कहता है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फुटनोट जो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई से लिया जाता है। भाई साहब बहुत प्यारी बात है यहां पर, हाँ भाई। तो देखो, एक इम्पोर्टेंट बात है, बहुत प्यारी बात, कि ये देखो, जैसे ये पेज है, किसी भी पैराग्राफ की लास्ट एक दो लाइन जो यहाँ पर रह गई है उन्हें हम लोग कहते हैं विंडो, और अगर किसी पैराग्राफ की एक लाइन यहाँ है सबसे लास्ट में उसे कहते हैं ऑर्फन। ये बहुत प्यारे शब्द हैं, और ये प्रश्न जो है ना हरियाणा पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2021 में पूछे गए थे, एमएस वर्ड का बहुत प्यारा प्रश्न, ठीक है। तो ये पहली बात सही है। दूसरा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ, तो फुटनोट और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी जो है वो एंड नोट की शॉर्टकट की है, दोनों बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो बोथ वन एंड टू जो है वो सही है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन कहाँ लगाए जाते हैं। देखो, गटर मार्जिन जो है एमएस वर्ड के पेज में बाइंडिंग साइड में जुड़ते हैं, ठीक है। वैसे तो चार मार्जिन होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, उसके अलावा दो मार्जिन होते हैं, एक टॉप में एक होता है लेफ्ट में, जिसे कहा जाता है गटर मार्जिन। तो 1, 3, 2 का गटर मार्जिन क्या होता है, जो पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जोड़ा जाता है उसे हम लोग गटर मार्जिन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, डेटा प्रोसेसिंग से क्या मतलब है। डेटा को प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ, डेटा को व्यवस्थित करना। हाँ भाई, डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन करते हैं तो उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। डेटा को उपयोगी बनाना, हाँ, खाली डेटा का कोई मतलब नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन का यूज है, तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना मतलब डेटा को यूजफुल बनाना। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को इकट्ठा करना, हाँ, डेटा को प्रोसेस करने के बाद ही हम लोग इकट्ठा करते हैं, तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। 1, 3, 3 राइट आंसर डी। डेटा प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य है, वैसे तो मेकिंग डेटा यूजफुल परफेक्ट है, बट यहाँ पर सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। 1, 3, 4 देखिएगा क्या कहता है, निम्न परिभाषाओं पर विचार करिए, ठीक है। व्यक्तिगत पत्रों का जत्था बनाना या प्रिंट करना, यानी कि क्रिएट एंड प्रिंट अ बैच ऑफ पर्सनलाइज लेटर्स, ठीक है। चुनौती प्रति उत्तर युक्ति, यानी कि चैलेंज रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। आदेशों या अनुदेशों की एक श्रृंखला, सीरीज ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस। बी तथा सी, ए बी तथा सी क्रम से निम्न में से किससे संबंधित है। मतलब देखो, पहली लाइन किसकी डेफिनेशन है, दूसरी लाइन किसकी है, तीसरी लाइन किसकी है, तो चैलेंज रेस्पॉन्स मैकेनिज्म जो होती है वो आपकी क्या होती है, कैप्चा। तो बी में कैप्चा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। आंसर सीधा सीधा हो गया, बाकी सब खत्म, ठीक है। पर्सनलाइज लेटर्स को प्रिंट करना, यानी कि एक सेम कंटेंट को बहुत सारे लोगों को भेजना, वो मेल मर्ज कहलाता है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ कमांड जो बार बार यूज होती है वीबीए का यूज करके, उसे मैक्रो कहते हैं। 1, 3, 4 राइट आंसर डी। रो और कॉलम शीर्षकों को यथा स्थान रखने के लिए, ताकि जब आप स्क्रॉलिंग करें तो वो मूव ना हो, यानी कि जब आप स्क्रॉलिंग करें तो आपके जो टॉप के रो या कॉलम जो हैं वो मूव नहीं होने चाहिए, इसके लिए हम लोग फ्रीज पेन कमांड का यूज करते हैं। और ये फ्रीज पेन कमांड मिलता कहाँ पर है, व्यू मेन्यू में या व्यू टैब में आपको फ्रीज पेन कमांड जो है वो मिलता है, ठीक है। 1, 3, 6
एमएस ऑफिस में वर्ड 2016 के डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क डालना है, तो वाटर मार्क जो है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा आपका लेआउट टैब आएगी आप लोगों के पास में सबसे पहले, और उसके अंदर जाओगे पेज बैकग्राउंड ब्लॉक। पेज बैकग्राउंड ब्लॉक यानी कि लेआउट टैब में जाकर के पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में जब आप जाओगे तो आप लोगों को ये सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। 136C, 137 एमएस एक्सेल फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है MID, ठीक है। फिर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, कॉमा लगा के 11 और कॉमा लगा के 14, क्या होगा? देखो ये जो मिड फंक्शन है बीच में से स्ट्रिंग को ट्रिम करने का काम करता है, बीच में से ट्रिम करता है। पहला बताता है कहाँ से, यानी कि 11 नंबर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 पी से है, ठीक है, यानी कि पब्लिक से आपका जो है 11 नंबर स्टार्ट है, तो पी से हम लोग काटेंगे, तो एल नहीं है, आर नहीं है, पी तो है, पी तो है, ठीक है। फिर बोला 14, यानी कि 11वें से स्टार्ट करो और 14 अक्षर गिन लो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 स्पेस 7 8 9 10 11 12 13 14, पब्लिक सर्विस इज द राइट आंसर, ठीक है। मिड से तोड़ना है तो कहां से स्टार्ट करूं और कितने कैरेक्टर लूं, तो ये होता है मिड, यानी कि 11 कहता है कि कहां से और 14 कहता है कितने, कहां से और कितने। 138 एमएस एक्सेल में टेक्स्ट में से शब्दों के बीच एक स्पेस छोड़कर अतिरिक्त स्पेस हटाना है, यानी कि जैसे आपने कोई टाइप किया है और टाइप करते करते एक्स्ट्रा स्पेसेस बहुत ज़्यादा दे दिए, आप चाहते हो कि सारा स्पेस हटे केवल शब्दों के बीच में, जैसे अब देखो ये स्पेस तो वैलिड है लेकिन ये वैलिड नहीं है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगाओगे ऑटोमेटिकली पूरी स्क्रीन स्ट्रिंग जो है ट्रिम हो जाएगी, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो शब्द है मेन मेन रहेंगे और उनके बीच में जो स्पेस है ना, ठीक है, वो आपका हट जाएगा, ठीक है। यानी कि शब्दों के बीच का स्पेस रहेगा, बाकी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो पूरा पूरा हट जाएगा, ठीक है। 138 राइट आंसर ट्रिम। 139 देखो IPsec, आईपी सिक्योरिटी के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करें। देखो IPsec हम लोग इंटरनेट में जब कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़ते हैं तब मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या है। देखो आईपी सिक्योरिटी ये किसको सिक्योरिटी दे रहा है? आईपी को। तो आईपी काम कहाँ है? तो आईपी जो है नेटवर्क लेयर पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, ये है सत्य बात। नेटवर्क लेयर पर डिजाइन सुरक्षा प्रदान करनी, क्योंकि आपके सारे काम वहीं पे करते हैं, प्लीज डू नॉट टेक, प्लीज डू नॉट एनफोर नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए IPsec जो है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 139 140 साइबर सुरक्षा के संदर्भ में एक पैसिव अटैक का उदाहरण क्या है? या मास्क्वरेड, ट्रैफिक एनालिसिस, रिप्ले या डिनाइल ऑफ सर्विस। पैसिव अटैक, एक्टिव तो होता है सीधा सीधा उड़ा देना, पैसिव का मतलब होता है घूम फिर करके आना, ठीक है। पहले तो आपको पता करना आप काम कैसे करते हो, एक एक चीज का एनालिसिस करना, उसके बाद में अटैक करना। तो कौन सा पैसिव एनालिसिस पैसिव अटैक है? तो उसे बोला जाता है ट्रैफिक एनालिसिस, कि भाई काम आपके होते कैसे हैं, आप काम करते कैसे हो, ये सारा एनालिसिस करने के बाद, एनालाइज करने के बाद जो है अटैक किया जाता है, तो वो आपका पैसिव अटैक कहलाता है, ठीक है। साइबर अपराध जिसमें एक विश्वसनीय स्रोत पते से पैकेट को गढ़ कर एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे में प्रमाणित करना शामिल है। मतलब क्या हुआ? द साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व्स ऑथेंटिक वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर बाय फॉर्जिंग पैकर्स फ्रॉम ए ट्रस्टेड सोर्स एड्रेस इज नोन एज। 141 राइट आंसर क्या होगा? मतलब क्या हुआ कि एक ट्रस्टेड सोर्स से पैकेट आया है ऐसा बताना आगे वाले कंप्यूटर को, इसे कहते हैं स्पूफिंग, इसे कहा जाता है स्पूफिंग। मतलब वास्तव में तो नहीं होता लेकिन उसे जस्ट प्रमाणित कर देना कि भाई ये जो आया है ये एकदम रिलायबल सोर्स से आया है, आप अपने कंप्यूटर पे इसे रख सकते हैं, और जैसे ही रखते हैं आपके कंप्यूटर में डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। 141 राइट आंसर बी।
142। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क के माध्यम से आदान प्रदान होने वाले डेटा पैकेट को फिल्टर करता है? तो जब भी डेटा पैकेट को फिल्टर करना है तो हमारे पास में और वो भी देखो, वो भी कहाँ पर, इंटरनेट या दूसरे नेटवर्क के माध्यम से जो भी डेटा इधर उधर आ रहा है उसको फिल्ट्रेशन करने का काम होता है फायरवॉल का, ठीक है, बाकी कोई फिल्टर नहीं करता है। 143, ये देखो भाई बड़ा सारा प्रश्न है और ये कहता है कि मैच करना है इधर से उधर। स्तंभ वन और स्तंभ टू पर विचार करें, विद्यालय का डेटा, इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण, पैसे भेजना, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस और मोबाइल वॉलेट, आमने सामने मैच करो। तो देखो स्कूल का डेटा जो है हमारा वो यू डाइस में जलता है ना, यू डाइस। इलेक्ट्रॉनिक पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं IMPS का, ठीक है। फिर बात करते हैं ई कॉमर्स, ई कॉमर्स यानी कि अमेज़न, यानी कि देखो C E, फिर आया है B, ई गवर्नेंस यानी कि सिंगल साइन ऑन A, मोबाइल वॉलेट यानी कि पेटीएम। तो C E B A D हो गया ना, एक मिनट, ए बी है ई कॉमर्स जो है, एक मिनट अपनी गणित थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आंसर इसका ए निकला है, ये हो गया सी, इलेक्ट्रॉनिक निधि IMPS, ई कॉमर्स अमेजन बी, ई कॉमर्स ये, मोबाइल वॉलेट आपका पेटीएम, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन टाइपिंग एरर है, पांचवे में जो है आपका डी आना चाहिए था, ठीक है। और अमेजन को हम लोग अमेजन पे भी तो होता है, अगर ओरिजिनल प्रश्न में अगर बी था तो हम लोग यहाँ पर भी बी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेजन है जो आपका वहाँ पे यूज होता है, ठीक है, क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रश्न संख्या 143, राइट आंसर ए, ठीक है, 144। RTGS प्रणाली में जो UTI, देखो RTGS, अब जब आप लोगों को RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जब RTGS के द्वारा पैसे ट्रांसफर करते हो तो एक UTR नंबर आता है, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, और ये जो UTR नंबर है ये कितने डिजिट का होता है, बहुत बढ़िया, 22 डिजिट का होता है। सीधा सवाल है अगला, बैंकिंग सिस्टम है NEFT क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऐसा कहता होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये सब जो है वो याद रखना। फिर आता है अगला, डिजिटल भुगतान का तरीका नहीं है, RTGS है, IMPS है, NEFT है, माइकर तो एक कोड होता है जो बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है 9 डिजिट का, शहर का नाम, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम, ठीक है। 147, ओहो ये देखो इधर से इधर मिलाना है आपको, चलो 147 देखो, स्तंभ वन और स्तंभ टू, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण कौन करता है, पंजीयन एंड मुद्रांक, एकीकृत ई सेवा और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इनकी वेबसाइट कौन कौन सी है? तो देखो ये इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपना खाता, यानी कि पहले में हो जाएगा डी। फिर आता है मुद्रांक, राज क्रेस्ट, सेकेंड में बी, ई सेवा मंच जिसमें सारी की सारी सर्विसेज आप लोगों के पास में अवेलेबल हो जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं, आपका ये हो जाएगा ए, ठीक है। फिर होता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी की सीधी वेबसाइट सी, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 147 का बी ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, चलो। हाँ, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित है, राजस्थान के प्रदूषण से संबंधित। अब देखो भामाशाह अलग हो गया, केस दर्पण, रिसर्जेंट राजस्थान और दृष्टि, तो राजस्थान के अंदर जो प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है वो है दृष्टि एप्लीकेशन, ठीक है। इस पेपर में आपके जो होता ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, IT टेक्नोलॉजी, उसके प्रश्न जो है बहुत आए हैं इस पेपर में। ये देखो, यदि कोई नागरिक राजस्थान सरकार से किसी विशेष विभाग में शिकायत दर्ज करना चाहता है, शिकायत के लिए है संपर्क विभाग, राजस्थान संपर्क शिकायत दर्ज करने के लिए है, ठीक है। 150, ई गवर्नेंस राजधरा,
राजधरा जो है वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो जीआईएस होता है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। सी तो ये हमने प्रश्न किया है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 18 दिसंबर 2021। मिलेंगे एक और नए पेपर के साथ आगामी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।